नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं उकलाना हलके में, और उकलाना हलके में नरेश सेलवाणे पूर्व प्रत्याशी थे और पूर्व यहां से विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनकी कि उकलाना हलके से इस बार कांग्रेस ने टिकट काट दी और निर्दलीय के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं उकलाना हलके से। नरेश जी, सिटी बिग न्यूज़ में पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आपकी टिकट काट दी है, ऐसे तो हिसार, हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हांसी की भी, आप हिसार की, बरवाला की, नलवा की, और साथ में कमी रही कांग्रेस पार्टी में, ये आप लोगों में रही है? देखिए, हो सकता है पार्टी नए समीकरण पे किसी प्रकार का प्रयोग कर रही हो, नए चेहरों को टिकट दे के पार्टी जीतना चाहती हो, वो पार्टी का जो है अपना एजेंडा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं आपके साथ काफ़ी तादाद में यहाँ पे आपके लोग हैं और बुजुर्ग भी बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है निर्दलीय आप खड़े हैं क्या जनता के में चुनाव लड़ूं इस बार? नहीं, मेरा कोई मन नहीं था, वैसे तो राजनीति में है तो मन तो होता ही है जी। लेकिन बात है, आज भी उनका निजी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, शैलजा जी का मान सम्मान है। आज मैं अगर आपके चैनल के सामने अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो शैलजा जी की वजह से ही है, क्योंकि 2009 में उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं विधायक बना, 2014 में टिकट दिया, चलो हार गए, हवा खराब थी, वो अलग मैटर है, लेकिन है मैं जो कुछ भी हूँ आज शैलजा। अगर यहाँ से आप विधायक बनते हैं, सबको हरा गए, तो कौन सी पार्टी को आप समर्थन करेंगे विधानसभा, जैसे हरियाणा सरकार बनेगी उसमें? हरियाणा सरकार बनेगी, जब सरकार बनेगी जब देखेंगे, पहले तो हम चुनाव जीतेंगे। तो जैसे आप कुमारी शैलजा, आपके फैमिली रिलेशन उनके साथ, क्या उनका आशीर्वाद आपके पास है? उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि जो है राजनीतिक गुरु जिसे कहते हैं, पहली बात राजनीतिक मिनट में किसी को भी नहीं मिला जी। जो है, और युवाओं के रोजगार की जो समस्या है मुख्य, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में सबसे पैसे ले लेके नौकरियां लगाई गई, और जो है मेरिट बनाने वालों ने कंप्यूटर पे बैठ के मेरिट बनाई, जिनका प्रूफ भी है, नौ तो इनके जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह वो जेल के अंदर है, और हमारे उकलाना से भी एक मेंबर था एसएस बोर्ड का, उसको कार्यकाल से पहले ही बीच में हटाया गया। तो इन्होंने लूट मचाई, युवा जो है वो परेशान है, किसान है, किसान यहाँ खड़े हैं, लगभग सभी किसान हैं, तो इनको फसलों के लिए, फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, अपना एक बाजरे की फसल बेचने के लिए इनको हिसार जाना पड़ता रजिस्ट्रेशन कराकर, सरसों लेके जाते हैं तो उसको ये कहते 5 क्विंटल से ज़्यादा एक किसान की नहीं बिकेगी, तो कहीं ना कहीं किसान परेशान, उसको ना भाव मिला, ना कहीं डीजल के अंदर छूट, जो है डीजल के भाव आप देखेंगे 70-75 रुपये प्रति क्विंटल है, और बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है किसान भी परेशान है, व्यापारी भी ऑनलाइन सिस्टम से, सब व्यापारी परेशान है, और जो कड़ी है आड़ती की और जो किसान की, वो ऑनलाइन सिस्टम में वो टूट जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो है इस सरकार से आम आदमी परेशान है जी। और जैसे हम लोग यहाँ की बात करें, तो दो महिला के सामने या अनुप धानक भी, आपका मुकाबला कौन से पार्टी के साथ रहेगी? आशा खेदर के साथ रहेगी बीजेपी के साथ, या कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी उनके साथ रहेगा? नहीं, मुकाबला देखो यहाँ पे मुकाबला चाहे कहीं पर भी हो जी, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ होता है, और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, उसके साथ हमारा मुकाबला रहेगा, और हम कड़ी चुनौती देकर इस मैदान को जीतेंगे जी। ये थे नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। टिकट काटने के बाद जनता के आग्रह पर ये मैदान में है, और जनता से भी आप जानते हैं जनता किस तरह के लेती है। नहीं, हाँ जी, आप बताइए, नरेश सेलवाल जी को आपने मैदान में उतार दिया, क्या कहेंगे? हम जीतेंगे जी। जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? हमारे पास वोट है जी। वोट है? हाँ जी, वोट है। अच्छा, तो आप बताइए जी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे हल्के की जनता में गहरा आक्रोश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यक्ति को भी एहसास कराना चाहूँगा, नरेश जनता का नायक बन के उभरेगा और इसको एमएलए बना के चंडीगढ़ भेजेगी जनता। ये लड़ाई अकेले नरेश की नहीं है, पूरे हल्के की जनता की लड़ाई है, निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। क्या कारण मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी ने नरेश सेलवाल की टिकट काटने, यहाँ पे ऐसे मजबूत कैंडिडेट पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं थे, उसके बावजूद टिकट काटने क्या वजह मानते? जैसा विधायक जी ने बताया कि हो सकता है कि पार्टी कोई नया प्रयोग कर रही हो जी, और उसमें कई दफा पार्टी घाटे में भी रहती है और रहेगी, हमारा ये मानना है। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं? हम भाई नरेश के समर्थक हैं जी, और वैसे तो हम लेफ्ट पार्टियों से हैं, और लेफ्ट पार्टियां हमेशा कांग्रेस के साथ मिलके, हमने केंद्र में सरकार भी बनाई है, पहले भी हम इकट्ठे रहे हैं, आज भी हम इकट्ठे हैं जी। हाँ जी, आप बताइए, जैसे नरेश जी के साथ आप हैं, और कैसा यहाँ पे आपको लगता है उकलाना में क्या नतीजे? ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा,
पहले तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके बाद मैं सीनियर कांग्रेस का अध्यक्ष था, और आज जो कांग्रेस आपने पूछा कांग्रेस कहाँ है, यहाँ यूथ कांग्रेस का जो अभी मौके का अध्यक्ष है वो भाई नरेश सेलवाल के साथ है जी। सीनियर कांग्रेस का अध्यक्ष है वो नरेश सेलवाल के साथ है, जो कई दो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है वो नरेश सेलवाल के साथ है, कई महासचिव यूथ कांग्रेस के वो नरेश सेलवाल के साथ है, जितने भी संगठन है कांग्रेस पार्टी के वो नरेश सेलवाल के साथ खड़े है। और मैं एक और बात दोहराना चाहूंगा, 1996 में भाई रेलू राम जी पुनिया थे यहाँ से जी। उनके साथ भी विश्वासघात हुआ था, चौटाला की पार्टी में थे वो, उनको आश्वासन दे गए लास्ट में उनकी टिकट काट दी गई थी। 1996 में वो चुनाव जीते और चौधरी बंसीलाल जी के साथ में एक मंत्री के बराबर का पद उनको मिला था, वो ही इतिहास अब दोहराएंगे उसको जी। तो लोगों का मन मन चुका है, ये पंचायती उम्मीदवार है, 36 बरादरी के लोगों ने इनको समर्थन दे करके उन्होंने खड़ा किया, 36 बरादरी के लोगों ने, और आपने देखा भी कितना मान सम्मान करते हैं कार्यकर्ताओं का, जो भी लोग आते हैं कोई भेदभाव नहीं इनके मन में, और लोगों को जोड़ने का काम किया है। 10 साल पीछे विधायक थे, जब भी लोगों के बीच में गए, पिछले 5 साल भी लोगों के बीच में रहे, और ये इन्होंने कुछ खोया है पाया नहीं है, एक किला तो इन्होंने गौशाला में दिया, और इनके पिताजी की जमीन थी वो भी इन्होंने पीछे खर्चों में उनको खोनी पड़ी जमीन। तो इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने वो किया, इनके ऊपर घात किया है, आपका कहने का सीधे देखिए, चलो तो जो हाईकमान का हमारी बहन शैलजा जी ने जो फैसला लिया, चलो उनकी मर्जी है, लेकिन वैसे गलत किया है, इनके साथ विश्वासघात किया है। और टिकट की बात है, टिकट लोगों ने आज कहा, आज बिठमड़ा खाप की पंचायत थी, बड़े लोग जुड़े हुए थे, तो ये पूछने गए थे चुनाव लड़ो नहीं लड़ो जी। तो उन्होंने कहा भाई चुनाव लड़ो, ये मैदान खाली है जी। और टिकट तो बताना चाहूँगा, टिकट कहाँ से बनती है, टिकट चौटाला साहब की भी है जी। आज कैंडिडेट नहीं मिले, टिकट बहुजन समाज पार्टी की भी है, टिकट और पार्टियाँ हमारे सैनी साहब है उनकी भी टिकट आई हुई है, लेकिन टिकट तो ये जनता है जो हमारे बुजुर्ग है, 36 बरादरी है। तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे उकलाना की जनता कांग्रेस पार्टी के समर्थक नरेश सेलवाल के साथ हैं। बिल्कुल 36 बरादरी नरेश सेलवाल के साथ है, पूरे खाप में, नैन खाप, बिठमड़ा खाप, हमारी जो कुंडू खाप जी। जितने भी हमारे खेदड़। एक और मैं बताना चाहूंगा, कल जब नॉमिनेशन किया जी। आप पूछ लीजिए, आप वहीं थे सर, CID की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत मानिए, तो CID की रिपोर्ट है, कांग्रेस बीजेपी और ये निर्दलीय जितने भी थे, सबसे ज्यादा लोग भाई नरेश सेलवाल के साथ गए हुए थे, ये CID की रिपोर्ट है, और आप भी पूछ लीजिए। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस बार नतीजे किस तरह से रहेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, उकलाना का कैसा रहेगा? उकलाना में भाई नरेश सेलवाल जो उम्मीदवार है जी। आजाद जी, आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानी दी और हमें आज़ादी मिल गई, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को। एक चीज़ मुझे लगता है कि जो पहली बार चुनाव लड़े थे उस टाइम भी आपका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ शायद, आप बहुत पुराने इनसे जुड़े हुए नरेश सेलवाल से। नहीं नहीं, 10 साल पहले। नहीं नहीं, मैं नरेश सेलवाल पर कुर्बान हूँ जी। अच्छा, तभी तो आप क्या समझते हैं इस बार किस तरह? नरेश सेलवाल की नैतिक जीत हुई है जी, और 24 तारीख को गिनती होगी, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, समाज में नरेश सेलवाल सर्वोपरि नेता है, और इनको आशीर्वाद उकलाने के वाम ने दिया, और जमहूरियत में जनता सर्वोपरि होती है, इसलिए कोई नेता यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर जनता जनार्दन की जीत हुई है, नैतिक जीत हुई है, इसके लिए हम नरेश सेलवाल को और इसे उकलाना के आवाम को हार्दिक दिल से इस्तकबाल करते हैं। हाँ जी, ये थे नरेश सेलवाल के समर्थक, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बार हालांकि कांग्रेस पार्टी ने। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।